नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिवाकर आप सबके लिए सामान्य अध्ययन के 50 एवरग्रीन क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विशेषकर बीपीएससी और बिहार एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा जो थी उन्होंने एक धर्म संघ की स्थापना की थी, उसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर दो है, भारत में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? तो भारत में संघीय और एकात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 35 ईयर्स का होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर चार, और लोकसभा में जो विधेयक स्वीकृत हो जाती है उस विधेयक को राज्यसभा में भेजी जाती है, राज्यसभा उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? इसका उत्तर है मैक्सिमम 14 दिनों तक राज्यसभा उस विधेयक को रोक करके रख सकती है। क्वेश्चन नंबर पाँच, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में लाया जाता है? तो संविधान संशोधन के लिए विधेयक दोनों राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर छः, राष्ट्रपति चुनाव हुआ, मान लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव होता है, उस राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो इसकी सुनवाई कौन करता है? तो इसका सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सात, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आप सबको मालूम है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आजकल जय किसान के साथ जय विज्ञान का भी नारा चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आठ, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनके दायित्व क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, और भारत के राष्ट्रपति का पास यह अधिकार होता है कि भारत के किसी भी कोने में वो आपातकालीन स्थिति लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दस, सिक्किम जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान बना, उस समय सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, तो एक भारत के संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के राज्यों में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया, यह 35वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज शिक्षकों की बात है, बिहार में पंचायती शिक्षक बहुत सारे हैं, 4.5 लाख के आसपास पंचायत लेवल के शिक्षक हैं, तो यह जानना जरूरी है। तो पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो बनाई गई समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुदेव के नाम से जाने जाने वाले कवि कौन हैं? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में पहली बार भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना जो पास किया था कांग्रेस ने, किस साल में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 16, जालियांवाला बाग के बारे में आप लोग काफ़ी सुने हैं, उसे काफ़ी अच्छे तरह से सजाया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी?
जालियांवाला बाग जो कांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। आजकल आप सुन क्वेश्चन नंबर 17, आजकल आप लोग सुनते हैं कि हर भाषण में मोदी जी वंदे मातरम बोलते हैं, ये वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम के रचनाकार जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके हैं, और तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, चीन का एक प्रसिद्ध मरुस्थल है जो गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वेज नहर काफ़ी सुनते हैं आप लोग, तो स्वेज नहर जो है दो सागर को जोड़ता है, कौन कौन से सागर को जोड़ता है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, हम सब बिहार में रहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि बिहार जो है किन देशांतरों के मध्य स्थित है, तो बिहार जो है 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक के देशांतर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकटतम स्थान जो है उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आप सब आजकल बहुत वंदे भारत ट्रेन क्या बहुत सारे ट्रेन की बात चल रही है, तो एक आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी लाइन की जो ट्रेन चलती है वो पटरी पर चलती है, तो ये पटरी दो पटरियों के बीच में चलती है, तो दोनों पटरियों के बीच की डिस्टेंस कितना होता है? ये 5.5 फीट का होता है, दोनों पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस 5.5 फीट होता है, लंबी दूरी की जो भी लाइनें हैं उनके बीच की दूरी 5.5 फीट है। क्वेश्चन नंबर 26, कर्नाटका में चुनाव होने जा रहा है और टीपू सुल्तान कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो टीपू सुल्तान कहाँ पर राजधानी बनाया था? टीपू सुल्तान ने श्री रंगपट्टनम में अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार ने चालू की थी बहुत पहले, ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था बेस्ट लोग जो अशिक्षित रह गए थे उनको शिक्षित करने से जुड़ा हुआ ऑपरेशन था। क्वेश्चन नंबर 28, चिपको आंदोलन किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन वृक्ष के बचाने के लिए किया गया आंदोलन है, वृक्ष के बचाने के लिए किए गए आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था, यह उत्तराखंड में चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है, सबको मालूम है हिंदी भाषा सबसे, बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं, तो दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये तेलुगु है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी के बाद। आप क्वेश्चन नंबर 30, आप सब जानते हैं कि जो भी वैश्विक संस्थान है वहाँ पे मूलतः अंग्रेजी में कामकाज होते हैं, लेकिन एक यूनेस्को ऐसा संस्था है वहाँ पे फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषा में काम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लक्षद्वीप भारत में है, लक्षद्वीप एक टापू है, वो किस भारत के किस साइड में है? तो दक्षिण पूर्व भारत में लक्षद्वीप टापू स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है सबको मालूम है, तो वहाँ पे क्वीन हुआ करती थी, तो क्वीन विक्टोरिया, कोलकाता में जाइएगा तो विक्टोरिया पैलेस बहुत फेमस है,
तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी। तो ये 1858 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, आजकल खूब एटम बम का बात चल रहा है, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है भारत में किसने, इसके जनक कौन थे, परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु ऊर्जा का जनक भारत में कौन थे, इसका आंसर है H.J. भाभा। H.J. भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 35, आप सबको मालूम है कि आजकल भारत जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर सैटेलाइट भेजे जा रहा है, सिर्फ खूब सैटेलाइट भेज रहा है, तो इस सैटेलाइट का जो भेज रहा है तो अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास, इसका श्रेय सबसे पहले किसने इसकी स्थापना की थी, तो वी साराभाई, इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे वी साराभाई, उन्हीं की देन है कि आज भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट पर सैटेलाइट भेजा जा रहा है। इसका इसके प्रथम जो थे वे वी साराभाई ही थे। क्वेश्चन नंबर 35, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, क्या आपको मालूम है वो कौन सा पुरस्कार है, तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो भारत में पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है कलिंगा पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, आप सबको मालूम है कि सनलाइट जो है धरती पर आती है, बीच में कई परत से होकर के गुजरती है और आती है, अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, इसके मूल में क्या है, ओजोन परत है, तो ओजोन परत जो है वो 15 से 20 किलोमीटर ऊपर है, हमारे जो वायुमंडल जहां हम लोग वास करते हैं धरती पे, ये वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो उसको ओजोन परत बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, आजकल पाश्चराइज दूध का जमाना है, पैकेट में दूध लेकर के खूब पीते हैं, फ्रिज में रखते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसी फ्रिज दूध को निकालते हैं फिर गर्म करते हैं फिर पीते हैं, ख़राब नहीं होता है, तो ये पाश्चराइजेशन जो प्रक्रिया जो है इसमें होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि दूध को पहले काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय के बाद में ना अचानक से इसको ठंडा करके इसको पाश्चराइज कर दिया जाता है, जिसको पाश्चराइजेशन कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, जो जीव जो है धरती पे भी समान रूप से रहते हैं और पानी में भी समान रूप से आवास कर सकते हैं, तो ऐसे जीव को एम्फीबिया बोलते हैं, एम्फीबियन, ठीक है ना, ऐसे जीव को एम्फीबियन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सुबह सुबह जब आंखें खोले सब कुछ दिखता है बिना लाइट जलाए हुए, तो ये जो है सूर्य का कमाल है, तो सूर्य की रोशनी जो है धरती पर आने में कितना मिनट लग जाता है, ये 8 मिनट का टाइम लेता है सूर्य की रोशनी धरती पर आने में। क्वेश्चन नंबर 40, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, तो स्टेनलेस स्टील जो है बहुत करा होता है, उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं जल्दी, तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह जो देखते हैं ना आप, वो पहले देखते हैं खाना वाना उसी टाइप के बर्तन में बनता है, तो इसलिए बनाया जाता है कि उस पर ना भाप वगैरह जो है, जब खाना बनता है भाप निकलता है, तो भाप का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, वो कौन सा धातु है, एल्युमिनियम धातु है जिस पर भाप का प्रभाव, वाष्प का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भाई सबसे पहले लोग बोलता है कि धरती के चारों तरफ जो है ना ग्रह सूर्य वगैरह घूमते रहता है, चांद वगैरह घूमता था, तो एक कोपरनिकस साहब आए, वो बोलते हैं कि ना तुम लोग झूठ बोलता है भैया, सूर्य के चारों तरफ सारा ग्रह घूमता है, धरती उरती सब सूर्य का चक्कर लगाता है, और बाद में ये जो निकोलस कोपरनिकस साहब थे इनकी बात को पूरा लोग मान लिया, तो यही बात अभी सही है कि सूर्य का जो परिक्रमा जो है सारा ग्रह करता है, तो इसको खोज करने वाले थे निकोलस कोपरनिकस जी थे, इन्होंने बताया था, सबको यही बात मानता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43,
भाई आजकल जब देखो जंतर मंतर पे लोग पहुंच जाता है, इधर से देखो जंतर मंतर, उधर से देखो कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स के नेता लोग जा करके जंतर मंतर पे ही पॉलिटिक्स करता है। तो ये जंतर मंत्र बनाया कौन था? ये जंतर मंत्र जो है महाराजा जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है ना। महाराजा जय सिंह जंतर मंत्र के निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 44, भाई बैडमिंटन आजकल खूब खेला जाता है, बैडमिंटन भारत में भी खूब खेलने लगा है लोग। तो ये बैडमिंटन खेलने से तो ठीक है, खेलने के बाद उसमें कुछ पुरस्कार वगैरह भी तो देना जरूरी है। तो पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बैडमिंटन खेलने में? तो थॉमस कप पुरस्कार जो है, थॉमस कप दिया जाता है, जो बैडमिंटन में सबसे विजेता होता है उसको थॉमस कप दिया जाता है, ठीक है ना। थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एशियाई खेल आजकल बहुत प्रचलन में है। एशिया खेल में कोई कौन सा देश कितना मेडल जीता है सब खूब चलता है। तो एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ चालू हुआ? एशियाई खेल सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो एशियाई खेल सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है भाई लात से भी कुछ खेल खेला जाता है, जैसे फुटबॉल, मार लात के फुटबॉल खेलता है, इधर का बॉल उधर, उधर का बॉल उधर, तो इसमें भी कला है। तो दो टीम खेलता है तो उसमें भी देना पड़ता है कप वगैरह। तब इसके लिए कौन सा कप है फुटबॉल के लिए? जी डूरंड कप, लात से जो फुटबॉल खेलते हैं उसके लिए डूरंड कप है। क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु घाटी सभ्यता सुनते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से उत्पन्न हुए लोग हैं। तो ये कब का है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल में जो सभ्यता विकसित हुई थी उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता भी परहैप्स कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, आजकल जो विभिन्न देवी देवता लोग का नाम पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनका ये नाम है, इनका ये नाम है, तो इसका कैसे पता चलता है? हैं? तो ये बोगाज नाम का एक अभिलेख होता है जो वैदिक काल के देवी देवताओं के बारे में, उस अभिलेख में पता चलता है कि कौन सी देवी देवता का क्या नाम था, उनकी पूजा पाठ करने से क्या प्राप्त होता था। तो बोगाज नाम का एक अभिलेख है, उसी से पता चलता है कि ये देवी का ये नाम है, ये देवी का ये नाम है, ये देवता का ये नाम है। तो देवी देवता लोग का नाम जो है ये बोगाज अभिलेख से पता चलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 है कि आजकल एक बड़ा फेमस हुआ था कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन के घूम रहे थे। जनेऊ जो धारण करता है उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण आना चाहिए होता है जी, है ना। जो जनेऊ धारण करता है उसको गायत्री मंत्र जरूर आता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है जी? तो गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मोहन भागवत का नाम आजकल सब कोई खूब सुन रहा है। एक भागवत संप्रदाय की स्थापना हुई थी इंडिया में, तो बहुत पहले भागवत संप्रदाय की स्थापना हुई थी। तो भागवत संप्रदाय बना कैसे? तो हिंदुस्तान में जब यूनानी लोग आए और दोनों हिंदुस्तानी और यूनानी मिलकर के जो एक संप्रदाय बनाए इसको भागवत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट सीरीज में मैं फिर आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। ये आप ऑडियो लगा के कहीं भी सुन सकते हैं, ये टोटली फ्री है।